ओके सो गाइस कैसे हो व्हाट्सएप लोग। और आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ रील्स ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग। अगर आप इस तरीके अपने खुद की वीडियो बनाकर रील्स पर अपलोड करोगे ना, आपकी वीडियो में अच्छा खासा रिस्पांस आने वाला है। उससे पहले गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब और घंटी को ऑल पर प्रेस कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। ऑल राइट गाइज, वीडियो एडिट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है लाइट रूम, और एक लाइट रूम का प्रीसेट और एक एप्लीकेशन और है जिसका नाम है काइन मास्टर। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, आपको प्रीसेट डाउनलोड करना है, ठीक है, उसे ओपन करना है। इस प्रीसेट को आपको लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर इम्पोर्ट करना है, शेयर करना है। तो शेयर करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है सेंड, क्लिक करना है और मूव करना है, और एक ऑप्शन शो करें यहाँ पे लाइट रूम, क्लिक करना है और ये प्रीसेट लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। और एक फ़ोटो और शेयर करनी है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, जिस फोटो से हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ना, उसके बाद लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन करनी है। सो ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का यहाँ पे नॉर्मल सा इंटरफेस है, और हमने जो भी फोटो प्रीसेट इंपोर्ट करी थी ऑल फोटो के अंदर आ चुके, ठीक है। ऑल फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस हमारे फोटो और प्रीसेट आ चुके हैं। जो हमारा प्रीसेट गाइस ये वाला है, टैग लोके इस प्रीसेट, और जो हमारी फोटो गाइस ये वाली, ओके आपको दिखाते हैं ये वाली फ़ोटो। तो अब करना क्या है, जो हमारा प्रीसेट है सबसे पहले उससे ओपन करना है। सो हम प्रीसेट ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद साइड में एक ऑप्शन जो है थ्री डॉट, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कॉपी सेटिंग में क्लिक करना है और टिक पे क्लिक करना है। कॉपी सेटिंग हो चुका है। उसके बाद हमने जिस फोटो में पेस्ट करना है उस फोटो को ओपन करना है, ठीक है। जो हमने सेकंड फोटो इंपोर्ट करी थी उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन शो करेगा थ्री डॉट, क्लिक करना है और पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। सो क्लिक करते हैं और गाइस देख लीजिए फोटो यार अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुकी है। देख लीजिए फोटो में ब्लैक टोन आ चुका। आपको एक फोटो में और पेस्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। सो मैंने फोटो ओपन करी। ओपन करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है और पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करना है। सो क्लिक करते हैं और गाइस देख लीजिए फोटो ना अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुका है बिफोर आफ्टर। और अब फोटो को सेव करना है, तो फोटो सेव करने के लिए ऊपर एक ऑप्शन मिलता है हमें शेयर, क्लिक करना है और सेव टू डिवाइस पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं और आपने इस तरीके से फोटो सेव कर लेनी है। और अब काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। सो काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। आपने इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है और कुछ फ्रेम्स शो करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको 9.16 इस फ्रेम को सिलेक्ट करना है और साइड में एक ऑप्शन शो करना है सेटिंग, क्लिक करना है और नीचे एक ऑप्शन मिलता है हमें एडिटिंग, क्लिक करना है, फिर मूव करना है, फिल साइज पे क्लिक करना है और टिक पे क्लिक करना है। फुल साइज़ हो चुका है। उसके बाद आपको मीडिया पे क्लिक करना है और हमारी जो नॉर्मल फ़ोटो है उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और टिक पे क्लिक करना है। सो टिक पे क्लिक करते हैं। गाइस देख लीजिए फोटो आ चुकी है। जो फोटो है इसकी लेंथ लंबी करना है। सो लेंथ लंबी कर लेते हैं, फोटो वाले लेयर पे क्लिक करना है और इस तरीके से खींच कर लेंथ लंबी कर लें, ठीक है। आपको जितनी लंबी वीडियो चाहिए, तो यहाँ पे गाइस मेरी लेंथ 10 सेकंड हो चुकी है। और अब करने क्या है, जो फोटो हमने एडिट करी थी लाइट रूम से उस फोटो को आप ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है हमें लेयर, क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है और उस फोटो को सिलेक्ट करना है। गाइस देख लीजिए फोटो आ चुकी है और इसका साइज़ हम फुल करते हैं। फुल साइज़ हो चुका है और इसकी भी लेंथ लंबी करनी है। सो लंबी हो चुकी है, टिक पे क्लिक करना है। और जो गाइस हमारी सेकंड लेयर है, ठीक है, एडिट हुई फोटो क्लिक कर देना है। एक ऑप्शन मिलता है हमें साइड में इन एनिमेशन, क्लिक करना है और कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, मूव करना है। मूव करने के बाद एक ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे विप राइट, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस देख लीजिए फोटो में एक लाइनिंग टाइप की आ रही है, देख लीजिए। और यहाँ पर कुछ नंबर शो कर रहे हैं। अगर आप इससे इस तरीके से मूव करोगे, जो ये लाइनिंग जा रही है थोड़ा स्लो हो जाएगी, देख लीजिए स्लो हो रही है। तो इसमें हल्का यहाँ पर स्लो कर लेता हूँ इतना, ओके। और टिक पे क्लिक करना है गाइस, देख लीजिए वीडियो ना अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुकी है। आपने इस तरीके से वीडियो एडिट कर लेनी है और अब इस वीडियो को सेव करना है। वीडियो सेव करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है हमें शेयर, क्लिक करना है और क्वालिटी सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है।